Hello students, welcome to Swablambi. Today is our 28th lecture of complete quantitative aptitude series and 8th lecture of average. In the 7th lecture, we have discussed problem based on cricket matches. In today's lecture, we will discuss problem based on family member family ages. Now let's start. Hamara first question hai, the family consists of grandparents, parents and 3 grandchildren. Theek hai? Hamare dada dadi, mata pita aur 3 bacche. ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 2, 2, 4, 3, 7 लोग. ठीक है, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंडपेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स की औसत दे रखी है. ठीक है, पेरेंट्स की एवरेज एज दे रखी है, औसत दे रखी है. ठीक है, एंड ग्रैंडचिल्ड्रन की. तो हमें क्या निकालनी है? पूरी फैमिली की एवरेज. ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा वेटेड एवरेज का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. देखो, 2 ग्रैंडपेरेंट्स है, दादा दादी. ठीक है, उनकी एवरेज 67 है, तो उनकी एजेस का सम 2 × 67 प्लस 2 × 35, ये पेरेंट्स की एजेस का सम हो गया, प्लस 3 ग्रैंडचिल्ड्रन है, उनकी एवरेज 6 है, तो ये उनकी एजेस का सम हो गया. टोटल मेंबर कितने हो गए? 2 + 2 + 3. ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाया है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, हमारा आंसर आ गया 31 5/7, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है. ठीक है, हमें डिफरेंट एवरेजेस दे रखी थी, ग्रैंडपेरेंट्स की, पेरेंट्स की और ग्रैंडचिल्ड्रन की. ठीक है, तो हमने उन तीनों को कंबाइन कर दिया. ठीक है, उनकी पहले एजेस का सम लगा के वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली of 5 member was 17 years. A baby having been born, the average age of family is same today. The present age of baby. ठीक है, 5 member की family थी. ठीक है, उनकी 3 साल पहले average age कितनी थी? औसत उम्र 17 साल थी. ठीक है, 5 member की family थी, उनकी average age कितनी थी? 17 years. ये कब थी? 3 years ago. ठीक है, अब क्या है? अब presently उनके बीच में एक baby आ गया. ठीक है, तो उसके कारण अब 6 मेंबर्स हो गए, लेकिन अभी भी प्रेजेंट एज क्या है उनकी? एवरेज एज 17 इयर्स ही है. ठीक है, तो हमें बेबी की एज निकालनी है कितनी होगी. ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से चलते हैं. अगर देखो 5 मेंबर की 17 इयर्स है 3 साल पहले, तो प्रेजेंट कितनी होगी 5 मेंबर की? 20. तो 5 × 20 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? प्रेजेंट एजेस का सम आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, 5 मेंबर्स का. अब इसमें मैं बेबी की एज ऐड कर देता हूं. ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? हमारे टोटल सबकी प्रेजेंट एज. टोटल सबकी प्रेजेंट एज क्या आएगी? 6 मेंबर्स है, सबकी 17 है, तो 6 × 17. ठीक है, ये क्या है हमारी प्रेजेंट एज, बाकी 5 मेंबर की, ये बेबी की और ये सबकी. ठीक है, अब यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 102. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो बेबी की एज कितनी है? 2 years. ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड. ठीक है, अब हम लॉजिकल मेथड से करते हैं, बहुत इजी है लॉजिकल मेथड भी. ठीक है, अब देखो 3 साल बाद इन फैमिली के बाद एक्स्ट्रा एज कितनी आ जाएगी? मान लो सबकी एवरेज 17 ही थी, तो 3 साल बाद 5 मेंबर है, तो 3 साल बाद हमारे पास टोटल 15 ईयर्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे. ठीक है, ये 15 ईयर्स किसके काम आएंगे? बेबी के. किस काम आएंगे? बेबी की एवरेज एज को 17 बनाने के लिए. ठीक है, क्योंकि सबकी ओवरऑल एवरेज 17 है ना, लेकिन इसमें 2 साल कम है, वो 2 साल कहाँ से आएंगे? वो बेबी के खुद के होंगे, तो बेबी की एज कितनी आएगी? 2 years. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, ये हो गया हमारा लॉजिकल मेथड. नेक्स्ट चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 5 years ago वाज 94. ठीक है, 4 लोगों की फैमिली है, उनकी 5 साल पहले एवरेज एज कितनी थी? 94. ठीक है, ये कब था? 5 years ago. ठीक है, अब प्रेजेंट में क्या हुआ उनकी? व्हेन द डॉटर हैज बीन मैरिड ऑफ, डॉटर की शादी होगी बेटी की, रिप्लेस बाय डॉटर इन लॉ. ठीक है, बहू आ गई घर में, द सम ऑफ देयर एजेस इज 92, और उनकी एजेस का सम 92 हो गया, 2 कम हो गया 94 से. ठीक है, अज्यूमिंग दैट देयर हैज बीन नो अदर चेंज, फैमिली में कोई और चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो कहता है उसकी डॉटर और डॉटर इन लॉ की एजेस में जो डिफरेंस है वो निकालना है हमें. ठीक है,
पहले हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। स्टार्टिंग में फैमिली की एजिस का सम कितना था 5 साल पहले 94। अब इसमें प्रेजेंट एज का सम निकालना हो तो क्या होगा सबका, देखो 5 साल पहले की है तो सबकी एजेस में 5-5 साल बढ़ जाएंगे, कितने मेंबर्स हैं 4, ठीक है, तो सबकी नई एज ये बननी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें से डॉटर माइनस कर देंगे क्योंकि डॉटर तो चली गई, ठीक है, तो डॉटर मैंने माइनस कर दिया, उसकी जगह क्या आ गई डॉटर इन लॉ, तो उसको उसकी एजिस को मैंने ऐड कर दिया, ये क्या हो गया फैमिली की नई एज बन गई। ये किसके बराबर आनी चाहिए हमारी 92, ठीक है, वही हमें गिवन है क्वेश्चन में 92, ठीक है। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां से मेरा आंसर आ गया 22। डॉटर और डॉटर इन लॉ की जो एजिस में डिफरेंस है वो कितना है 22, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम लॉजिकल मेथड से करते हैं, देखो इनकी जो एज है वो 94 थी पहले 5 साल पहले, अब 5 साल बाद कितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी 5 चौका 20, ठीक है, 5 × 4, तो पूरी फैमिली की एज कितनी बढ़नी चाहिए थी 20, ठीक है, ये इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में हो क्या गया 2 ईयर्स कम हो गए, ठीक है, यानी कि ये 20 साल घट गए और 2 साल और घट गए, तो टोटल 22 साल का फर्क पड़ गया, क्यों, क्योंकि डॉटर चली गई डॉटर इन लॉ आ गई, ठीक है, यानी कि उन दोनों की एजेस में डिफरेंस कितना होगा 22, तभी 22 इयर्स का फर्क पड़ गया ना, 22 इयर्स कम हो गए फैमिली की एजेस में से, क्यों, क्योंकि उनकी एजेस में डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन, 10 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वाज 24, ठीक है, 10 साल पहले 4 लोगों की फैमिली है उसकी एवरेज एज थी जो औसत थी वो थी 24 ईयर्स, ठीक है, 2 children having been born with age difference of 2 years, the present age of family is same. अब उसके बीच में क्या हुआ, 2 children पैदा हो गए, ठीक है, और प्रेजेंट एज में उनकी फैमिली की एवरेज एज में कोई फर्क नहीं आया, द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी हमें एवरेज एज निकालनी है, ठीक है, 4 मेंबर्स थे इनकी एवरेज एज 24 थी, कब थी ये 10 ईयर अगो, ठीक है, अब उसके बाद 6 मेंबर्स हो गए फैमिली में फिर भी 24 है, ये प्रेजेंट सिनारियो है, ठीक है। अब हमें बिल्कुल बेसिक मेथड से पहले मैं आपको इक्वेशन बना के करवाऊंगा, ठीक है, 4 × 24 ये क्या हो गया पुरानी एजेस होगी, ठीक है, अब इसमें 2 बच्चे पैदा हो गए उनकी एजेस एक्स और वाई लगा लेता हूँ प्रेजेंट एज, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, प्लस देखो ये तो क्या थी हमारी एज 10 साल पहले, ठीक है, अब इन चारों की एज 10 साल बढ़ गई होगी तो 4 × 10, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा इन सबकी प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज क्या होगी 6 मेंबर है 24, 6 × 24, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई और यहां से हमारा x प्लस वाई निकलाएगा और उन दोनों की एजेस का डिफरेंस दे रखा है बच्चों की 2 ईयर्स, तो मेरे को x माइनस वाई ऑलरेडी पता है 2 है, ठीक है, यहां से मैं x प्लस वाई निकाल लेता हूं, तो मेरा x प्लस वाई क्या आ गया 8 और मेरे को x माइनस वाई गिवन है जो उनका एजेस का डिफरेंस है 2 ईयर्स, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 10/2 5, ठीक है, y की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, डिफरेंस 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है, तो छोटे की एज 3 है बड़े की 5 है, मेरे से क्या पूछा है यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट चाइल्ड कौन सा है 3 साल वाला, तो मेरा ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लॉजिकल मेथड से करूं तो कैसे करूंगा, देखो 10 साल पहले 4 मेंबर की 24 थी, अभी भी 24 ही है सबकी एवरेज एज, ठीक है, यानी कि जो 40 एज है 10 × 4, ठीक है, ये प्लस 40 जो एज इनकी आनी थी वो कहाँ पे गई, वो बच्चों की एज को कितना बढ़ाने में लगी, क्योंकि एवरेज 24 है तो 2 बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए 48, ठीक है, तो ये 40 का यूज कहाँ पे हो गया, दोनों बच्चों की एज को 48 बनाने में, ठीक है, उनकी एज जिसका सम को 48 बनाने में, ये 40 तो चलो आ गया, बाकी 8 कहां से आएगा, वो उनकी खुद की एज होगी बच्चों की, ठीक है, तो टोटल 48 मेरा बन गया, क्योंकि 48 ही आना चाहिए ना उनकी एज जिसका सम, क्योंकि एवरेज 24 बनानी है,
एवरेज 24 मतलब 48 सम, ठीक है, 40 साल तो उनके बाकी चार मेंबर्स से मिल गए उनको, 8 साल उनकी खुद की एज होगी। यहाँ से मेरे को पता लग गया एक्स प्लस वाई मेरा 8 है और एक्स माइनस वाई मेरे को 21 ही है, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो देख सकते हो कंसेप्ट में, क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ 4 मेल्स एंड 7 फीमेल्स इज दिस एंड दिस। ठीक है, 4 मेल्स हैं और 7 फीमेल्स हैं, उनकी एवरेज एज दे रखी है फैमिली में मुझे। इफ टू पर्सन हुज एवरेज एज इज 14 ईयर्स हैव लेफ्ट, अब 2 पर्सन चले गए जिनकी एवरेज एज 14 थी, एंड 4 न्यू मेंबर्स और 4 नए मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया जिनकी एजेस ये गिवन है, देन द एवरेज एज ऑफ द न्यू फैमिली इंक्रीज बाय, इंक्रीज कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो निकालना है मेरे को। पहले मैं प्रेजेंट एज तो निकाल लूं सबकी, प्रेजेंट एवरेज एज क्या आएगी फैमिली की। ठीक है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगेगा। 4 मेल्स की कितनी है, 42, यानी कि 4 × 42 प्लस 7 फीमेल्स की कितनी है, 20 / 4 + 7। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एज फैमिली की प्रेजेंट आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 28, यानी कि इनकी प्रेजेंट एवरेज एज क्या है फैमिली की, 28। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी सम भी देख लो, इनकी प्रेजेंट सम कितना है, 308। अब क्या हुआ, 14 ईयर्स एवरेज एज वाले 2 लोग चले गए, ठीक है, 308 इनकी सम है सारी फैमिली की, इनमें से 2 पर्सन चले गए जिनकी एवरेज एज 14 है, तो सम क्या हो गया, 28। तो इसमें से मैं 28 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चले गए, जो ऐड आगे नए ज्वाइन कर ली फैमिली उनको ऐड कर देता हूँ, +10 +18 +30 +26। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा हम, जो हमारी नए मेंबर्स हैं, देखो 2 चले गए 4 मेंबर्स आ गए, तो 2 मेंबर्स इंक्रीज हो गए, तो किससे डिवाइड करूंगा, पहले 11 मेंबर थे, अब कितने मेंबर हो गए, 13। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 364 / 13। ठीक है, ये मेरा आता है 20। ठीक है, ये हो गया, यानी कि उनकी एजिस में कोई फर्क नहीं आएगा पूरी फैमिली की एवरेज एज में, तो क्या रहेंगे वो, रिमेन सेम। ठीक है, एवरेज एज में कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, अब लॉजिकल मेथड से हम कैसे करेंगे, देखो जो लॉजिकल मेथड है उसमें हमें ये तो निकालना ही पड़ेगा पहले, फैमिली की प्रेजेंट एवरेज एज क्या है, 28। ठीक है, अब देखो इफ 2 पर्सन हुज एवरेज एज इज 14, ठीक है, 14 एवरेज एज थी, वो चले गए 2 पर्सन, ठीक है, उसके बाद आए देखो कौन कौन से हैं, 10 और 18, इनकी एवरेज एज क्या बनेगी, 14 ही बनेगी। ठीक है, 2 14 वाले चले गए, 2 14 वाले आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फैमिली की एज पे, सेम ही रहेगी, तो इनको तो मैं कैंसिल आउट ही कर देता हूँ, क्योंकि 2 लोग गए थे, 14 एवरेज एज वाले 2 आ गए। ठीक है, अब देखो ये 2 लोग आए हैं नए, इनकी एवरेज एज क्या बनेगी, ये बाकी 2 हैं, इनकी एवरेज बनेगी 28। ठीक है, अब देखो पूरी फैमिली की एवरेज एज 28 है ऑलरेडी, 2 नए लोग आ जाएंगे जिनकी एवरेज एज 28 है, यानी कि उनके पास भी 28 28 है, तो सारे की क्या आएगी, 28 ही आएगी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, रिमेन सेम। ठीक है, कैसे किया मैंने, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से एजेस वाले आए थे। ठीक है, ये हमारा एवरेज एज है पूरी फैमिली की। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास 2 14 एज वाले लीव कर गए। ठीक है, 2 14 एज वाले यानी कि 28 सम, ये 28 वाले 2 लोग आ गए, तो ये कैंसिल आउट हो गए, जो गया वो आ गया। अब ये एक्स्ट्रा लोग गए थे, ठीक है, जो आए हैं ये कितने हैं, इनकी एवरेज 28 है। ठीक है, ऑलरेडी फैमिली की सारे की एवरेज 28 है और 28 वाले ही और आ गए, तो एवरेज सेम ही रहेगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you students for watching this video. If you like our video, please hit the like button and share it with your friends. Give your feedback in the comment section. In the next lecture, we will discuss question based on replacements. Thank you students.